सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद की सुनवाई का पांचवा दिन। रामलला की ओर से ये साफ कहा गया कि रामलला सिर्फ एक देवता नहीं, एक सजीव देवता है। ये भी कहा गया कि जो राम जन्मभूमि है वो अपने आप में एक देवता है, इसलिए देवता का विभाजन नहीं हो सकता। चूँकि राम जन्मभूमि है उस पर मालिकाना हक रामलला का है, और ऐसे में ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि उसे दो हिस्सों में बांट दिया जाए, क्योंकि देवता का विभाजन हो ही नहीं सकता। सुनवाई के दौरान एक बार फिर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से जो जजमेंट पढ़े जा रहे थे, पुराने सबूत और साक्ष्य बताए जा रहे थे, उस पर आपत्ति जताई गई। कोर्ट ने कहा कि जब हम सुन रहे हैं आपको क्या आपत्ति है, हमने जब साफ कह दिया है कि सबको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा, ऐसे में आपका ये आपत्ति जताना उचित नहीं है। रामलला की ओर से सारे दिन वो तमाम साक्ष्य, पुराने दस्तावेज, इसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला, उसमें तमाम पहलू बताए गए। सबका जिस्ट ये था कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड या मुस्लिम पक्ष का लगातार कब्जा कभी नहीं रहा, लेकिन रामलला इस जगह हमेशा विराजमान रहे। चूंकि वो जन्मस्थान है, जन्मस्थान अपने आप में देवता है, इसलिए उसमें कब्जे की तो कोई बात ही नहीं। जब जन्मस्थान अपने आप में देवता, उस पर दूसरा आदमी कैसे कब्जा कर सकता है, और उसे बंटवारे की बात तो सोचना भी अपराध है। कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि सबको बोलने का मौका मिलेगा, जब हम हड़बड़ी में नहीं है, आपकी आपत्ति क्यों?